प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी के पहले और दूसरे पार्ट में हमने देखा कि इंसानों द्वारा वानरों पर किए गए मेडिसिन परीक्षण में वानरों में इंसानों जैसा दिमाग विकसित हो गया और उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण इंसानों में सिमन फ्लू नामक एक बीमारी फैल गई, जिससे ज्यादातर इंसान खत्म हो गए थे और बचे खुचे इंसानों में वानरों के साथ जंग शुरू हो गई। उस जंग की शुरुआत वानर कोबा से हुई थी, जिसको बाद में सीजर ने मार दिया था। अब 2 साल बीत चुके थे जहाँ सोल्जर अभी भी सीजर को जंगलों में ढूंढ रहे थे। दरअसल सीजर और बाकी सभी वानर एक खुफिया जगह पर छुप कर रह रहे थे। वो इंसानों की एक स्पेशल बटालियन थी जिसका एक ही मकसद था वानरों को मारना। एक दिन वो सोल्जर वानरों की सीमा तक पहुंच जाते हैं जहां कुछ वानर पहले से पहरा दे रहे थे। उस बटालियन में वानर भी होते हैं। दरअसल ये वो वानर थे जो कोबा के साथ थे। वो सीजर के डर से इंसानों के पास भाग आए थे। सोल्जर उन्हें डोंकी बुलाते थे। वो लोग उन पर हमला करते हैं जिस दौरान कई सारे वानर मारे जाते हैं। तभी सामने से बालों की बरसात होती है। वो सभी सोल्जर लगभग खत्म हो जाते हैं। जिंदा बचे सोल्जर और डोंकी को वो सीजर के पास लेकर आते हैं। सीजर उनसे कहता है कि उसने यह जंग शुरू नहीं की, जिसने की थी उसे उसने मार दिया है। वो उन चारों को घोड़ों पर बांधकर कर्नल के लिए एक मैसेज के रूप में जिंदा छोड़ देता है। उनसे कहता है कि वो जंग नहीं चाहता। अब सीजर जब एक रोज अपने खुफिया अड्डे पर था, तभी सीजर का बेटा ग्रीन आइस और रॉकेट एक लंबे सफर से वापस लौटते हैं। वो सीजर से कहते हैं कि हमें कुछ मिला है। फिर वो अपनी मॉम और छोटे भाई से मिलता है। उसी शाम रॉकेट और ग्रीन आइस उन सभी को बताते हैं कि पहाड़ी के दूसरी तरफ एक लंबा सफर तय करने के बाद एक रेगिस्तान है जहां हम महफूज रह सकते हैं और इंसान हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। विंटर कहता है कि हम आज रात ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। सीजर उसे शांत करता है और उनसे कहता है कि वो जल्द ही कोई रास्ता निकालेगा। उसी रात जब सीजर देखता है कि कुछ इंसान झरने से नीचे उतर रहे हैं, वो जब वहां जाकर देखता है तो उसे एक रस्सी मिलती है। वो उसे देखकर समझ जाता है कि कर्नल और उसके सोल्जर को उसके खुफिया अड्डे का पता चल गया जहां वो पिछले 2 सालों से रह रहा था। वो अपने बेटे को शांत रहने के लिए बोलता है और खुद उनके पीछे जाता है। रॉकेट उनके एक सोल्जर को मार गिराता है। तभी उनके वॉकी टॉकी पर कर्नल कहता है कि मिशन पूरा हुआ, उन्होंने सीजर के बेटे और उसकी वाइफ को मार दिया है और वो वहाँ से निकल रहे हैं। अब जैसे ही कर्नल वहाँ से निकल रहा होता है, तभी गुस्से में सीजर वहाँ आता है। वो उन दोनों को मरा देखकर कर्नल की तरफ गुस्से में उसके ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन कर्नल उस रस्सी को काट देता है। सीजर वहीं से गिर जाता है और कर्नल वहाँ से बचकर निकल जाता है। अब सीजर अपने परिवार को खोने के गम में बैठा होता है। उसका छोटा बेटा कॉर्नेलियस सामने आता है। वो कर्नल की नजरों से बच जाता है और जिंदा होता है। वो उसे गले से लगा लेता है। अगले दिन वो सब वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन सीजर अभी भी गुस्से में होता है। वो लेक को कॉर्नेलियस को सौंप देता है और उसका ख्याल रखने को बोलता है और उन सबको वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन मॉरिस कहता है कि तुम हमारे सरदार हो और हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, जिस पर सीजर कहता है कि तुम्हें जाना होगा, और यह कहकर वो कर्नल की तरफ निकल जाता है। और वो सब भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इधर सीजर देखता है कि उसके पीछे उसके वफादार दोस्त मॉरिस, रॉकेट और लूका भी आ जाते हैं। वो सीजर से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। सीजर उनसे कहता है कि हो सकता है मैं जिंदा ना लौटूं। तब मॉरिस कहता है कि हम जरूर लौटेंगे, और वो एक साथ निकल पड़ते हैं कर्नल को ढूंढने। तभी रास्ते में कुछ घर दिखाई देते हैं। वो हर तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी मॉरिस के सामने एक इंसान आता है। वो गन निकालता, उससे पहले ही सीजर उसे शूट कर देता है। वो सब सीजर का गुस्सा देखकर चौंक जाते हैं। तब वहाँ उन्हें दूसरे घर में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है जो उनके डर से छुप गई थी। मॉरिस उस बच्ची को गुड़िया देता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी नाक से खून बह रहा है। दरअसल वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड होती है और वो बोल भी नहीं सकती थी। तभी जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तब वो बच्ची भी बाहर आ जाती है। मॉरिस सीजर से कहता है कि वो मर जाएगी अकेली। कुछ वक्त तक सोचने के बाद वो उसे भी साथ ले लेते हैं। काफी दूर आने पर उन्हें उन सोल्जर के कैंप दिखाई देते हैं। सीजर देखता है कि विंटर अब डर से इंसानों की गुलामी कर रहा है। वो जब इंसानों के जूठे बर्तन मांझ रहा था, तभी पीछे सीजर और वो सब आ जाते हैं। वो उससे कर्नल के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि कर्नल यहाँ से निकल गया है। दरअसल विंटर ने ही सीजर के खुफिया अड्डे के बारे में बताया था। सीजर कहता है कि उन्होंने मेरे बेटे और बीवी को मार दिया। तभी वहाँ कुछ सोल्जर आते हैं। विंटर चिल्लाने ही वाला होता है कि वो तीनों उसे कस के पकड़ लेते हैं, जिस दौरान विंटर मारा जाता है। अगले दिन सभी सोल्जर वहाँ से निकल जाते हैं। सीजर और उसके साथी उनका पीछा करते हैं। तभी वो एक जगह पर रुकते हैं जहाँ गोलियों चलने की आवाज आती है। जब वो देखते हैं तो वहाँ 3 सोल्जर बर्फ में दफन होते हैं, उनमें एक जिंदा होता है। दरअसल उनको गोली इसलिए मारी गई थी क्योंकि वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे। आगे चलकर वो एक टावर पर चढ़कर उनको देखते हैं कि वो किस तरफ गए हैं। तभी कोई उनका घोड़ा लेकर भाग जाता है। लुका उसे देख लेता है। वो सब उसका पीछा करते हैं। तभी वो घोड़ा छोड़कर गायब हो जाता है। वो उसे वहाँ ढूंढने लगते हैं, इतने में वो उनके सामने आ जाता है। दरअसल वो भी एक वानर होता है। वो अपना नाम बैड एब बताता है। फिर वो उनसे बातें करते हैं। वो बताता है कि वो पहले एक जू में रहता था, वहाँ इंसानों ने सभी वानरों को मार
दिया, लेकिन वो भाग आया और वो कई सालों से यहीं रह रहा है। सीजर उसे इंसानों के कैंप में ले जाने को कहता है जहां पर कर्नल था, और वो उस रात वहीं रुक जाते हैं। अगली सुबह वो लोग वहां से निकल जाते हैं। बैड एप भी उनके साथ आता है। वो एक जगह पर रुकते हैं। सीजर और लूका आगे जाकर देखते हैं, तभी उन पर इंसान हमला करते हैं, लेकिन रॉकेट सीजर को बचा लेता है और लूका जख्मी हो जाता है और वो लोग लूका को भी खो देते हैं। मॉरिस कहता है कि हमें वापस झुंड में लौट जाना चाहिए, लेकिन सीजर कहता है कि यह मेरी जंग है और मैं इसे पूरा करूंगा, तुम सब लौट जाओ। और सीजर वहां से अकेला चल देता है और वो और करीब आकर देखता है कि कर्नल ने उनके पूरे झुंड को कैद कर रखा है और बाहर कई वानरों को मारकर लटका रखा है, जिसे देख सीजर पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया हो। और उस दौरान सीजर भी पकड़ा जाता है। तभी कर्नल सीजर को बंदी बनाकर ले जाता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। अगले दिन सभी सोल्जर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी वहां कर्नल आता है। वो उन सोल्जर को इशारा करता है और उन्हें काम पर लगाने को कहता है। वो सभी उन भूखे प्यासे वानरों से खूब काम करवाते हैं। वो अपने डोंकी से उनकी पिटाई करवाता है। तभी सभी वानर काम छोड़ देते हैं और वो डोंकी सीजर को कर्नल के पास ले जाता है। वो सीजर को खूब मारते हैं। तभी कर्नल एक वानर को गोली मार देता है और वो सीजर पर बंदूक तान देता है, जिसे देखकर सभी वानर काम पर फिर से लग जाते हैं। उसी शाम कर्नल सीजर को अपने पास बुलाता है। सीजर कर्नल से कहता है कि मैं जानता हूँ यहाँ और सोल्जर आने वाले हैं और वो तुम्हारा साथ नहीं बल्कि तुम्हें मारने आ रहे हैं। कर्नल कहता है कि मैं जानता हूँ वो मुझे खत्म करने आ रहे हैं। और कर्नल बताता है कि 10 महीने पहले उसका बेटा जंग में गया था, जिसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया और वो और भी ज्यादा खूंखार हो गया। वो जानवरों की तरह बिहेव करने लगा। डॉक्टरों को दिखाने पर डॉक्टरों ने बताया कि वो वायरस चेंज हो गया है, जिसमें इंसान जानवर बन जाता है। इसलिए उसने बचे खुचे इंसानों को बचाने के लिए अपने बेटे को मार दिया। अगर वो अपने बेटे को नहीं मारता तो धरती पर बची खुची इंसानी सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाती और वानरों का ही राज होता। इधर मॉरिस और वो सब उनके बिल्कुल पास आ जाते हैं और अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। तभी बैड एप टनल में गिर जाता है। इधर कर्नल बाकी सभी वानरों को खाना देता है सिवाय सीजर के। वो लोग सीजर को एक जगह लटकाकर बांध देते हैं। दूसरी तरफ मॉरिस और रॉकेट टनल में एक जगह पर सुराख कर देते हैं। उस रात जब सीजर वहां बंधा होता है तो उसे कोबा दिखाई देता है। वो कहता है जल्दी हम मिलने वाले हैं। इतने में वहां कर्नल आ जाता है। इधर बैड एप बताता है कि नोवा अंदर गई। वो अंदर जाकर सीजर को पानी पिलाती है और वो सभी वानर थोड़ा थोड़ा अनाज देते हैं जो उन्होंने छुपा कर रखा था। नोवा सीजर को खिलाती है। इतने में कर्नल वहां आता है। तभी रॉकेट भी नोवा को बचाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। डोंकी रॉकेट को खूब मारता है। वो लोग उसे भी कैद कर देते हैं। अगली सुबह कर्नल देखता है कि सीजर अभी भी जिंदा है। तभी कर्नल की नजर एक गुड़िया पर जाती है। दरअसल वो गुड़िया नोवा की थी और उस गुड़िया पर नोवा का खून लगा था। अब दिन में जब वो काम कर रहे थे, तभी सीजर मॉरिस को इशारों में बताता है कि टनल से उनका पिंजरा कितनी दूरी पर है। उसी रात जब सभी वानरों को पिंजरों में कैद कर दिया जाता है, तभी टनल में बैड एप और मॉरिस एक गड्ढा कर देते हैं। बैड एप वहां चढ़कर देखता है। तभी वो सब वानर उसे देख लेते हैं और वहां रॉकेट आ जाता है। वो उससे मिलता है। फिर रॉकेट सीजर को बताता है कि आगे खोदने पर टनल में पानी भर गया है। सीजर कहता है कि हमें फौरन निकलना होगा क्योंकि और सोल्जर आ रहे हैं, इंसान एक दूसरे को खत्म कर देंगे और हमें भी। रॉकेट कहता है कि अब क्या करें, जिस पर सीजर एक प्लान बनाता है। वो लोग एक सिपाही पर कीचड़ फेंकते हैं, जिससे वो गुस्सा होकर केज खोलकर उसके अंदर आ जाता है। रॉकेट फिर से उस पे कीचड़ फेंकता है। वो जैसे ही उसकी तरफ घूमता है तो टनल में से मॉरिस उसे अंदर खींच लेता है और केज की चाबी रॉकेट को दे देता है। वो चाबी लेकर सीजर और रॉकेट बच्चों को आजाद कर देते हैं। बच्चे वहां से निकलकर बड़ों के पिंजरे में आ जाते हैं और वो उस टनल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सीजर रॉकेट से कहता है मैं भी कोबा के जैसा हूँ। रॉकेट कहता है पर कैसे। सीजर बताता है कि इंसानों के प्रति कोबा अपनी नफरत नहीं छोड़ पाया और मैं भी, कर्नल की ओर इशारा करके कहता है कि अपनी नफरत नहीं छोड़ सकता। तभी वहाँ हमला होता है। दरअसल दूसरी सरहद के सिपाही आ गए थे और आते ही कर्नल के अड्डे पर हमला कर देते हैं। सीजर छुपते हुए कर्नल के कैबिन पहुंचकर देखता है कि कर्नल का खून उस टेबल पर था। दरअसल अब कर्नल भी उस नए वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो वायरस नोवा की उस गुड़िया से कर्नल की बॉडी में आया था। सीजर उस पर गन तान देता है। उस वायरस की वजह से कर्नल भी वानरों की तरह करने लगा था। सीजर उसे शूट नहीं करता। कर्नल खुद अपने आप को शूट कर देता है। बाहर एक खतरनाक जंग छिड़ चुकी थी। सीजर देखता है कि वो सोल्जर वानरों को मार रहे हैं। वो उनकी तरफ दौड़ता है। तभी पीछे से एक सोल्जर सीजर को तीर मार देता है। वो वहीं गिर जाता है। यह सब डोंकी देख रहा होता है और इस बार डोंकी सीजर का साथ देता है और उस सोल्जर को उड़ा देता है। लेकिन अफसोस वो सोल्जर उसे भी मार डालते हैं। तभी सीजर वहां ब्लास्ट कर देता है, जिससे उनका पूरा अड्डा जलकर खाक हो जाता है। सीजर जल्दी से उस टनल में चला जाता है, जिसके कारण वो बच जाता है। सीजर देखता है कि दूसरी सरहद की फौज वहां पहुंच गई है। यह सीजर के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं थी। बड़ा खतरा था वो बर्फ का तूफान जो उस ब्लास्ट की वजह से पैदा हुआ था। वो लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख पूरी बटालियन पीछे भागने लगती है। सीजर भी वहां से ऊपर की तरफ भागता है और वो सभी वानर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। सीजर भी एक पेड़ पर चढ़कर अपने
आप को बचा लेता है और वो सारी की सारी बटालियन बर्फ के नीचे दफन हो जाती है। लेकिन सीजर और उसकी वानर टोली बच जाती है। वो लोग अपना आगे का सफर तय करके एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं। वो सब अपने नए घर में खुश थे, लेकिन सीजर के शरीर में वो तीर अभी भी घुसा हुआ था। सीजर के वो आखिरी पल थे जब वो मॉरिस से बातें कर रहा था और धीरे धीरे उसकी सांस रुक जाती है और वो सब अपने लीडर को खो देते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती। फ्यूचर में इसका चौथा पार्ट भी आएगा और साथ में और भी इंटरेस्टिंग मूवी आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।